Hello all of you, this is Manoj Jangir and I welcome you on my YouTube channel Manoj Jangir Classes. And I have received so many requests of the students on like, sir please make a video on self-help groups. So, intezar yahi khatam hota hai students aur main aapke liye leke aaya hu abhi. Jo next video hai hamara money and credit ka, wo hai self-help groups pe. To sabse pehle baat karta hu, like I would like to give you the intro ki iski zarurat kyun padi. I would like to tell you ki government would like to spread the banking system to the far flung areas and the remote areas of the villages, but government is cheez mein successful nahi ho pai because bahut sari problems aane lag gayi jo hai financial system ko strong banane mein ya farmers tak ya rural people tak pahunchne mein. To sari cheeze karne ke baad bhi jab benefit nahi mila to government ne ek concept start kiya jisko hum bolte hain सेल्फ हेल्प ग्रुप. अगर हम इसकी बात करें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, तो सबसे पहले मैं एक कॉन्टूर्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, कुछ आउटलाइंस आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता क्या है. सो बेसिकली कुछ 15 से 20 मेंबर्स होते हैं. दे पूल देयर सेविंग्स, मतलब इकट्ठा करते हैं अपनी सेविंग्स को, जो पर मेंबर 25 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक हो सकती थी. आपकी बुक्स में ऐसा गिवन है, बट आजकल 25 और 100 रुपये से कुछ भी नहीं होता है. यू ऑल पीपल नो दिस थिंग. तो अमाउंट आज के टाइम में थोड़ा सा लॉजिकल हो के 500 रुपये तक, 1000 रुपये तक भी हो सकता है. ये 50 से 20 मेंबर्स जो होते हैं यहाँ पर, ये करते क्या हैं भाई? ये जो है उस अमाउंट को कलेक्ट करते हैं हर महीने, बिकॉज ये एक प्रैक्टिस है सेविंग्स को मोटिवेट करने के लिए. तो ये 15-20 मेंबर्स जो होते हैं रूरल एरिया के, वो एक अपना हेड ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है डिसाइड करते हैं, अमाउंट पूल करते हैं, और जिस पर्सन को भी उस ग्रुप में रिक्वायरमेंट होती है लोन की, दैट पर्सन कैन टेक लोन फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये क्या करते हैं, इस अमाउंट को जो इनको मिला है ये बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं. जैसे जैसे इन रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, वैसे वैसे जो है सबको जो है लोन दिया जाता है, और उस पर एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है, सो दैट दे कैन बी फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द मनी लैंडर्स, दोज हु चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे पुट अनजस्ट कंडीशंस फॉर देम. तो मनी लैंडर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं रूरल लोगों से, तो उनको उनके क्लचेस से बचाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किया गया. एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और नीड्स पूरी की जाती हैं, अलग अलग तरीके की नीड्स हो सकती हैं ये. तो ये कुछ आउटलाइंस थे यहाँ पे. लेट अस टॉक अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन डिटेल. सो इन द रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर. द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलर वीमेन, सबसे ज़रूरी, क्योंकि ये वीमेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे जहाँ से ये कंसेप्ट इमर्ज हुआ. तो इन पर्टिकुलर वीमेन इन टू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पूल, मीन्स दे कलेक्ट देयर सेविंग्स. अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, is you know, it has 15-20 members usually belonging to one neighborhood who meet and save regularly. Saving per member varies from 25-100 rupees or more depending upon the ability of the people to save. मतलब आपकी ability पे depend करता है कि आप कितना amount save कर सकते हैं. People can take small loans from the group itself to meet their needs. बाकी जो लोग हैं वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लोन ले सकते हैं. द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्जेस. आफ्टर अ ईयर और टू, क्योंकि ये अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है, जितना चाहिए होता है लोग ले लेते हैं, बाकी का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है, तो एक रेगुलर सेविंग हो जाती है जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलता है. इंटरेस्ट मिलता है जो बोरोवर है उसकी तरफ से, और अगर कुछ एक्सेस फंड्स हैं, अगर कोई लोन लेना नहीं चाहता तो बैंक से भी इनको इंटरेस्ट मिलता है. अब बैंक के पास, क्योंकि अगर आप अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं एक या दो साल तक, तो बैंक भी आपको उसके बेसिस पे लोन अवेल करवा देता है, दे सकता है अगर आप चाहें तो. तो उसके बाद क्या होता है, लाइक ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्जेस. आफ्टर अ ईयर और टू,
इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग्स, अगर रेगुलर सेविंग्स आप कर रहे हैं, इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स. तो मैंने आपको बताया बैंक से आप लोन ले सकते हैं. लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स. फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड, अगर उनकी कोई लैंड है जो मॉर्गेज है यानी गिरवी रखी हुई है, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स लाइक छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनके फार्मिंग से रिलेटेड उनको पूरा करने के लिए, बाइंग सीड्स हो सकता है, फर्टिलाइजर्स के लिए हो सकता है, रॉ मटेरियल्स के लिए हो सकता है लाइक बैम्बू एंड क्लोथ, फॉर हाउसिंग मटेरियल हो सकता है यहाँ पे, तो फॉर अक्वायरिंग एसेट्स हो सकता है लाइक स्विंग मशीन, हैंडलूम्स, कैटल एटसेट्रा. ये सारी नीड्स जो हैं पूरी की जा सकती हैं उस छोटे अमाउंट के लोन से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड करते हैं. मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग दी सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स. हेड होता है उनका, उसकी मतलब अगर वो फेवर में हैं तो वो जो जैसा जैसा चाहते हैं, मेजॉरिटी जैसा चाहते हैं उस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं. द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स अ लोन टू बी ग्रांटेड, लोन ग्रांट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, द पर्पस, द अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, रीपेमेंट शेड्यूल, वही टर्म्स ऑफ क्रेडिट जिसे मैं बोलना चाहूंगा यहां पर फिर से, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. तो ये सारी चीजें यहां पर डिसाइड की जाती हैं. ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन. एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय एनी वन मेंबर इज फॉलोड बाय सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप. Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in self-help groups, even though they have no collateral as such. तो collateral यहाँ पर required नहीं होता, ये self-help group की सबसे अच्छी बात होती है, and that is why rural people prefer to take loans from self-help groups. तो ये पूरा प्रोसेस है सेल्फ हेल्प ग्रुप का. इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है 3 marker 5 marker शॉर्ट शॉर्ट बोर्ड्स में आता ही आता है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और इसके बारे में इसके एडवांटेजेस और बाकी सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आता हूँ. तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. थैंक यू ऑल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू ऑल ऑफ यू.